नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जो अनंतनाग के खारशनगस से जो है सामने आ रही है, आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि वहां पर कल देर रात से ही एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा भयंकर आग जो है वो देखने को मिली। सबसे पहले आपको तस्वीरें जो है वो दिखा देते हैं। निसार है तो आपने साफ तौर पर तस्वीरें देखी कि ये भयंकर आग जो है यहाँ पर लगी हुई और कल देर रात से ही इस तरह की आग जो है उस इलाके में देखने को मिल रही, जिसकी इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर जो है बताया जा रहा है। और इन साफ तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर आग जो है लगी हुई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट जो है सामने आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ ही मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर, आपसे जानना चाहूंगी इस हवाले से क्या अपडेट जो है फिलहाल अभी सामने आ रहा है। जसलीन, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये 2:45 का समय था जब देर रात, जो फ्राइडे की जो लेट नाइट था, क्रार शांगस का ये इलाका है जहां पे एक लकड़ी का ट्रांसफार्मर बिल्कुल भूसेदा हो चुका है, उसमें भीषण आग लगी हुई है। और जो वहां पे लोगों का कहना है कि जो ही वहां पे ये अफरा तफरी फैल गई, वहां पे लोगों में काफी खौफ हिरास फैल गया, क्योंकि ये रात का समय था, देर रात ये वाका पेश आया, 2:45 करीब टाइम था। और वहां पे जो लोगों का ये कहना है कि जो ये ट्रांसफार्मर था बिल्कुल ये आग के शोलों में तब्दील हुआ, आप खुद देख रहे थे इस वक्त जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर जो 12 महकमे हादसे से रुजू किया गया है कि इस ट्रांसफार्मर को जल्दी से यहाँ पे शिफ्ट किया जाए या तब्दील किया जाए, लेकिन अभी ताहाल ये जो ट्रांसफार्मर था ये बिल्कुल वहां पे जो लकड़ी का बेड था उस पर ये पड़ा हुआ था। और साथ ही जो ये ट्रांसफार्मर था बिल्कुल 60 के करीब जो घर वो इस पे निर्भर कर रहे थे, उनको बिजली फराहम की जा रही थी। और लोगों का ये भी कहना था कि अगर जो फायर सर्विस वहां पे पहुंच गई थी, लेकिन उनका पहुंचना बिल्कुल बेसुध वहां पे साबित हुआ, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर वो बिल्कुल आग के शोलों में तब्दील हो चुका था और काफी खौफ हिरास पैदा हो चुका है वहां पे। लोगों का ये कहना है कि प्रोग्राम के माध्यम से जो महकमा हाजा, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल आए रोज आज हर जगह से जो महकमा बिजली उनके खिलाफ लोगों में गम गुस्सा नाराजगी पाई जा रही है, या तो कहीं पर ट्रांसफार्मर जल चुके हैं या कहीं पर तरसरी निजाम का जो निजाम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब लोगों का ये कहना है कि जो इस वक्त यहाँ पे विंटर चल रहा है, अब कुछ ही दिन बाकी रहेगा जब यहाँ पे चले कलान शुरू होने वाला है, और लोगों का ये कहना है कि ठिठरती हुई सर्दी में हमें जल्द से जल्द जो ट्रांसफार्मर उसकी बहाली वो चाहते हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से उनका ये भी कहना है कि हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस की तरफ अपनी तवज्जो मबदूल फरमाए, और जो महकमे हाजा है उनको कहा जाए कि वो क्रार जो वहाँ के लोग हैं उनको जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्म फराहम किया जाए। जी जसलीन, बिल्कुल मुजफ्फर, जिस तरह आपने बताया कि तमाम लोगों के घर जो है वहां पर थे जिनकी बिजली जो है उसी ट्रांसफर पर निर्भर थी, तो फिलहाल किस तरह वो गुजारा करे, क्योंकि बच्चों की भी बात करें, पढ़ाई पर भी कितना असर, तमाम लाइट होना कितना अहमियत रखती है, जरूरी वो हम सभी जानते हैं। और ऐसे में किस तरह वो लोग जो है इस वक्त, और अभी तक अगर हम बात करें तो बिजली विभाग की ओर से कोई अभी तक जो है वहां पर कोई कदम उठाया गया? हाँ बिल्कुल, वहां पर एक मुकामी बाशिंदा नजार मुश्ताक है, वहां पे उनका ये कहना है कि आप क्योंकि जानते हैं एक तो इस वक्त जो तालिब इल्म है उनकी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है, और खासकर जो इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं बिल्कुल कई दिनों से यहाँ पे एक और लोगों में एक डर और खौफ है, वो है यहाँ पे जंगली जानवर की जो मूवमेंट है, चाहे हम रीछ की बात करें या लियोपोल्ड्स की बात करें, लोगों का यहाँ पे उन जीना दोबर बन गया है। खासकर इन्हीं इलाकों में कई दिनों से जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है कई जानवरों को न्यूट्रलाइज भी किया है, लेकिन
लोगों का ये कहना है कि इस वक्त यहाँ पे जो बिजली की सूरत हाल है, आप चूंकि जानते हैं, जो आपने बताया, अगर हम तालिबे इल्म की बात करें, उनकी पढ़ाई भी अब मुतासिर हो रही है, साथ ही एग्जाम भी चल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जितना मुमकिन हो सके जल्दी जल्दी हमें नया ट्रांसफार्मर दिया जाए। खासकर एक तो मौसम सर्द है, आप चूंकि जानते हैं ठिठुर हुई सर्दी में हर एक चाहता है कि हमें थोड़ी यहाँ पे बिजली हो और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो कटौती शेड्यूल है उसके मुताबिक भी लोग इस वक्त नाला है। लेकिन अगर हम करार की बात करें, करार लोगों की बात करें, उनका ये कहना है कि अब हम जी तो बिल्कुल हमारे साथी पीर मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ लाइव जो है जुड़े हुए थे, और जिस तरह से उस इलाके की बात करें तो वहां पर कल देर रात से जिस तरह ने बताया है कि एक ट्रांसफार्मर में जो है आग का इंसिडेंट जो है हुआ है, और उसके बाद जो है अभी तक वहां पे अगर इलाके की बात करें तो बिजली भी गुल है, और ऐसे में लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी जो है वो झेलनी पड़ी है। खर शंगस का ये इलाका था जहां पर ये भयंकर आग जो है एक ट्रांसफार्मर को जो है कल देर रात से ही लगी, और फिलहाल जब तक वहां फायर ब्रिगेड पहुंच पाती जो ट्रांसफार्मर था पूरी तरह से राख हो गया, और फिलहाल उससे तमाम जहां पर लोगों के घर में बिजली पहुंच पाती थी उन तमाम लोगों को इस वक्त जो है खासतौर पर परेशानी जो है झेलनी पड़ी। उन तमाम लोगों का यही कहना है कि बिजली विभाग जो है जल्द से जल्द वहां पर नया ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया जाए ताकि तमाम जिनकी बिजली इस वक्त घर में गुल है वो कहीं ना कहीं उनको बिजली जो है मिल सके। तो हमारे भी यही अपील रहेगी जो वहां की पीली डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटीज हैं कि इस मामले पर जो है देखा जाए और तमाम ताकि उन लोगों के घर पर जो है बिजली फिर से आ सके। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।